मुंह समाजते हैं नववार ब्लॉक संगत और लंदन में भाजपा मुंह अभी एसपी डीएम यहाँ नशा देंगे तो मेरे तेरी जिंदगी नष्ट कर देंगे, इससे मुस्लिम तेरे पाएंगे बेवजह तेरे बेवजह केवल तू बोला है इतनी बात पर बेवजह बोला है इतनी बात पर। राम दिनकर के भाई हो मिस्टर मिटा दूंगा तुमको, हम सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको, हम उमेश मिश्रा कहते हैं। सीतापुर जिला अस्पताल में एम्बुलेंस से रेफर किए जा रहे एक अधिवक्ता की बीते दिनों हुई मौत ने एक नया मोड़ ले लिया। अधिवक्ता की मौत पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भड़क उठे, उन्होंने प्रदर्शन किया और भाजपा नेता की गिरफ्तारी की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि एम्बुलेंस के सामने भाजपा नेताओं ने कार खड़ी कर दी थी, जिससे एम्बुलेंस नहीं निकल सकी और अधिवक्ता की मौत हो गई। प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता जब कोतवाली पहुंचे तो पाया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई है, जिस पर अधिवक्ताओं ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही। बताते चले बीते 1 अप्रैल को जिला अस्पताल के नए भवन के सामने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक तथा कथित नेता खुद को भाजपाई जिले के एक ब्लॉक प्रमुख का भाई होना बता रहा था। एम्बुलेंस चालक से उसकी नोकझोंक हो रही थी, जिसमें भाजपा नेता बताने वाला जमकर गालियां दे रहा था। आरोप है एम्बुलेंस ना निकल पाने की वजह से उसमें सवार अधिवक्ता सुरेश चंद्र राठौर की मौत हो गई। इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद साथ ही वकील की मौत से आहत वकीलों ने बार एसोसिएशन की एक आकस्मिक बैठक की। बार की उपाध्यक्ष सपना त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसमें FIR दर्ज न होने और आरोपी की गिरफ्तारी न होने तक सभी वकील हड़ताल पर होंगे। पूरे मामले को लेकर जो भाजपा जिलाध्यक्ष अचित मेहरोत्रा से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा, ये गैर जनपद के रहने वाले हैं, इनका भाजपा पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इनके आचरण को देखते हुए मेरे कहने पर ही कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। जिलाध्यक्ष ने ये भी बताया कि इस बारे में जिन ब्लॉक प्रमुख का नाम ले रहे थे उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तथाकथित नेता उनका कोई रिश्तेदार नहीं। दैनिक भास्कर के लिए सीतापुर से हरि उमा अवस्थी की रिपोर्ट।